देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी 24 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। कैबिनेट की बैठक में आगामी मानसून सत्र की मंजूरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा वर्ष 2024 में हाईस्कूल पूरक परीक्षा आज यानी 24 जुलाई 2024 से 8 अगस्त 2024 तक होगी। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक निर्धारित है। जोधपुर में जल स्रोतों के रखरखाव के चलते आज यानी 24 जुलाई को जलापूर्ति नहीं होगी। बता दें कि शहर के कायलाना, चौपासनी एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित इलाकों में 24 जुलाई वाली जलापूर्ति 25 जुलाई को, 25 वाली वाटर सप्लाई 26 जुलाई को होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज यानी 24 जुलाई 2024 अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में विभिन्न प्रकार के 17,727 पदों के लिए भर्ती होनी। बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में आज यानी 24 जुलाई को बीकानेर पंचायत समिति में शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि महाप्रबंधक मंजू नैंड गोदारा ने बताया कि शिविर के दौरान पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण किया जाएगा। रायपुर में आज यानी 24 जुलाई को कांग्रेस के विधानसभा घेराव को देखते हुए सड्ढू, आमा, सिवनी, नरदहा, सेमरिया स्थित प्राइवेट स्कूल्स, निजी स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि घेराव के दौरान पंडरी खम्हार डी से गुजरने वाले सभी रास्तों पर बीते सोमवार शाम से ही बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आज यानी 24 जुलाई से म्यूटेशन कार्य फिर से शुरू होगा। आपको बता दें कि उक्त जानकारी बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष सह कतरी सराय अंचलाधिकारी धीरज प्रकाश ने दी है। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023-25 पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा आज यानी 24 जुलाई से ली जाएगी। आपको बता दें कि इसे लेकर पूर्व में ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शेड्यूल व केंद्र से संबंधित जानकारी की सूचना जारी कर दी थी। मंडी में आज यानी 24 जुलाई को बीड फीडर में पुरानी तारों को बदलने तथा नए बिजली पोल लगाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक गांव खरेहड़ा, भलेड़, तरनो, घेरू, नेरन, थांबा, रोपड़ी तथा साथ लगते क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में आज से 27 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1911 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष का जन्म हुआ था। साल 1939 में आज के दिन असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का जन्म हुआ था। साल 2002 में आज के दिन यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में 3.20 करोड़ यूरो अतिरिक्त देने का निर्णय लिया था। साल 2004 में आज के दिन इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया था। साल 2006 में आज के दिन प्यूर्टो रिको की सुंदरी जुलेखा रिवेरा मिंडोजा गिस यूनिवर्स चुनी गई। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।